मामा का एक समझ लें कि बेटा है, बेटा बन चुका है, उसी ने ये सारा सामान कुछ उन्होंने ही किया है। ये अम्मा के लिए गर्म शॉल, नाज़रीन अम्मा जी की जर्सी माशाल्लाह से बड़ी प्यारी है। पैर दिखाएं, रोए इतना खिदमत खल टीवी की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के आइकन को प्रेस करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और पेज को फॉलो करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आप देख रहे हैं खिदमत खल्क टीवी। आपको शायद याद होगी, ये चेहरा याद होगा या ये शक्ल याद होगी। मैं आज से कोई 7-8 महीने पहले अम्मा जी की वीडियो बना के गई थी जो गन्ने के खेत में थी। मैंने इंटरव्यू लिया था और इनका कायनात में कोई नहीं था, ये किसी के डेरे पे रह रही थी। अभी भी ये कमरा, ये एक चारपाई साथ वाले हमसायों से ली है, दूसरी चारपाई और एक चारपाई में इनकी लेके आई हूँ, नहीं चारपाई में लेके आई हूँ। ये सामान वगैरह रखा है क्योंकि सामान ज्यादा था, नीचे नहीं फेंक सकते थे। अम्मा जी का जो है ये वो एक खोला है, ये वाला, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पीछे किसी के डेरे पे बैठी हुई है। अल्लाह जाने कौन है, मुझे नहीं पता इस चीज का ज्यादा। इसमें बर्तन भांडे ये बक्से वगैरह हो गए, इसको पता नहीं, हाँ ये वाले बक्से हो गए, रजाइयां, दो रजाइयां, गद्दे और अम्मा जी का टोटली ऑल टू ऑल सारा सामान है। ये मेरे बाहर मुल्क से एक भाई है, बहुत ही अच्छे इंसान है। अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, उनकी फैमिली को जिंदगी दे। इन अम्मा के समझ लें, किसी बेटे ने अम्मा की वो की, अम्मा ने कहा, उस बेटे ने कहा है कि वो मतलब कि पर्सनली मैं उनको खुद भी जानती हूँ और उन्होंने कहा है कि मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा कि अम्मा जी का ऐसे ऐसे मसला है तो आप हल करें। उन्होंने कहा ठीक है। तो उनके पास ये सारा सामान, अम्मा का एक समझ लें कि बेटा है, बेटा बन चुका है, उसी ने ये सारा सामान, अम्मा के कपड़े, अम्मा के जूते, ये राशन सब कुछ उन्होंने ही किया है। आए अम्मा की खुशी का इजहार जो है वो पूछते हैं, चले अम्मा चले। अम्मा को बोली पत्नी, इसके अंदर एक चारपाई लकड़ी की रहती है, वो भी मैं इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों तक भिजवा दूंगी। दो चारपाइयां होगी, बाकी ये सारा सामान हो गया बैठे बैठे। अम्मा सबसे बड़ी बात है ये आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, ठीक है? इसको आप पकड़े, इसको आप पकड़े। हाँ मुझे ये बताएं, मुझे इतना नाप का तो नहीं था लेकिन मेरी तरफ देखो, ये अम्मा के लिए गर्म शॉल। अम्मा इस तरफ मुंह करें, इस तरफ मुंह करें। ये अम्मा के लिए गर्म शॉल, ये गर्म शॉल है, ठीक है? बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। पैर दिखाएं, पैर आगे करें। सॉक्स भी हैं आपकी, ये मुझे दिखाएं। सॉक्स भी हैं आपकी, मतलब जुराबे हैं आपकी, लेकिन उधर ही होंगी, शापर में ही कहीं होंगी। पहने ये और अम्मा कैसी हो, ठीक हो? जी खुश हो? जी खुश। ये आपके बेटे ने सारा कुछ आपके लिए भेजा है, ठीक है? ये नाज़रीन अम्मा जी की जर्सी माशाल्लाह से बड़ी प्यारी है। ये अम्मा जी जर्सी है, इसे पहन के दिखाओ मुझे। ये अम्मा दिखाएं, ये माशाल्लाह से अम्मा जी के लिए गर्म जर्सी। और बैठ जाएं, आप बैठ जाएं, आप बैठ जाएं। ये आपके लिए एक गर्मियों का, सर्दियों का सूट है मोटा। नाज़रीन पंजाब में बहुत ज़ालिम ठंड पड़ती है, इसको पकड़े।
ये आपके लिए दूसरा सूट है मोटा, ठीक है, ये मैं आपको बकायदा सिलवा के दूंगी, ठीक है, जैसे चारपाई आएगी ना तो ये बकायदा सिलवा के दूंगी। अब आप मुझे ये बताइए, जो सारा सामान है आप दिखाएं, ऊपर आके दिखाएं, ये जो सारा सामान आपके बेटे ने आपके लिए भेजा है उसके लिए दुआ करोगी? रोए तो ना, खुश 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 रहना, क्या हुआ? खुश है, मैं कहीं नहीं रोंदी। और जो बेटे ने आपकी ये सारी मदद की है उसके लिए क्या कहोगी? दुआ दुआ है, अल्लाह ताला उसको जिंदगी दे, उसकी फैमिली को जिंदगी दे, उसके माँ बाप बहन भाइयों को जिंदगी दे। वो अपना नाम तो नहीं शो करवाना चाहते, लेकिन आप उसके लिए खसूसन आपने दुआ करनी है, ठीक है, नमाज पढ़ के खसूसन आपने उनके लिए दुआ करनी है। जहाँ नमाज में मैं लेके आऊंगी, ये भी कोई है बस। और तो ये अम्मा जी के कपड़े माशाल्लाह से, जहाँ नमाज हो गई वो भी मैं लेके आऊंगी। नाज़रीन ये काफी दूर रहती हैं और ऐसी खुशियां बांटा करें, यकीन करें कि बहुत ज्यादा खुशी। इसके अंदर घी, चावलें, दाल, सूजियां, सिवैयां, आटा सब कुछ है और इनके अंदर तमाम जरूरियात का सामान है। बड़ी पेटी एक मैं लेके नहीं आई क्योंकि रखने की जगह नहीं थी, दो बक्से एक ही साथ लेके आई हूँ। बाकी अम्मा के लिए गर्म सूट, कपड़े, कूलर, पानी वाला, बर्तनों वाले बर्तन धोने के लिए बाल्टियां, आटा डालने के लिए सब कुछ इसके अंदर है। तो अल्लाह ताला उसको इतनी, मैं कहती हूँ कि उनकी अल्लाह ताला लंबी उम्र करे, उनकी फैमिली को लंबी जिंदगी दे, उनको लंबी जिंदगी दे, अल्लाह ताला उस भाई को देते हुए ना थके, अल्लाह ताला उसकी फैमिली को, उसके बच्चों को, उसकी नस्लों को अल्लाह ताला बहुत दे। मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला उनकी ऐसी माओं के बारे में जो सोचते हैं, जो इनकी तकलीफों को महसूस करते हैं, अल्लाह ताला इस जहान में भी दीन और दुनिया दोनों में उनको सुरखरू रखे। अम्मा उन्होंने दुआ तो दुआ करनी है, दुआ दुआ है, अल्लाह उसको जिंदगी दे, अल्लाह को जिंदगी देवे, दे देवे, जहाँ मैं कुछ सम्मान देते अल्लाह को लंबी उम्र, लंबी उम्र दे, जी हाँ, अल्लाह ताला उसकी माल जान में बरकत डाले, बरकत पावे अल्लाह हमें, अल्लाह दे दे बे सल्लत, खुश रहना है। किसी भी चीज की परेशानी हो आपने बताना है, ठीक है जी। बाकी ये सारा सामान आपका है, बस नाजरीन ये एक है कि ये एक खोला है, अम्मा इसके ऊपर का छपरा चाहती है कि छपरा डल जाए ताकि अम्मा इस जगह, वो तो अपने ताले कुंडे मार के चले जाते हैं जिनके डेरे पे रहती हैं, बस ये छपरा बन जाए ना तो अम्मा के लिए सारी आसानियां हो जाएंगी। अम्मा इंशाल्लाह ताला मैं सूट सब कुछ सिलवा के दूंगी, ठीक है। सारा सामान आपके सामने है जो अम्मा जी का पहुंच चुका है, उस भाई को भी अल्लाह लंबी उम्र दे, उसकी फैमिली को, उसकी नस्लों को अल्लाह पाक लंबी उम्र दे। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि किसी नेक तक पहुंचे और वो ऐसे लोगों की हेल्प करें। अल्लाह ने के बाद